राधे राधे सभी दोस्तों को, बैकअप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों वीडियो आज हमारे बैकअप चैनल फिर से आने वाली है, आ चुकी है यूएसए वर्सेस पाकिस्तान का। दोस्तों इस मैच के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों कि इस मैच में शाहीन अफरीदी को 30% कप्तान बना करके चल रहे हैं लोग, क्या उनको बनाना सही है। दोस्तों क्या ए जॉन्स जो कि धमाका करके गए थे पिछले 40 बॉलों में 90 रनों की पारी, एक तरफा ए जॉन्स यूएसए को खेल गए, एंडरसन क्या करने वाले हैं दोस्तों, ए जॉन्स आपके लिए फ्लॉप साबित होने वाले हैं। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, कैसी रहेगी डलास की पिच और कैसा रहेगा ये ग्राउंड, क्योंकि दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड कप के मैचेस में काफ़ी उलझी हुई पिचें बनाई जा रही हैं और काफ़ी कुछ समझ में आई किस पे बैटिंग मददगार होगी किस पे बॉलिंग होगी, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट हो रहा है दोस्तों। तो इस मैच के बारे में साथ ही बाद में हम ड्रीम इलेवन ऐप पर चलेंगे, कौन से ट्रंप खिलाड़ी होंगे और 4 से 5 टीमें जो कि हर एक मैच में रहते हैं हमारे ये तो हमारा बैकअप चैनल है, क्योंकि दोस्तों जो मेन चैनल है उस पर जाकर देख सकते हो धमाका, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर फाइनल टीम मिलती है और ये बैक टू बैक विनिंग हो रही है दोस्तों, सबूत के लिए टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों इस मैच की हम बात करें, उससे पहले अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, शुरू करते हैं, पहले हम थोड़े से 2 से 3 खिलाड़ी इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड होते हैं उनकी तरफ चलेंगे, फिर हम गारंटी कॉम्बिनेशन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एवरेज स्कोर की बात करें, फर्स्ट बैट करते हुए 166 का एवरेज है, हाइएस्ट स्कोर यूनेस्को ने 215 पर 5 बनाए, लॉस एंजल्स ने 50 रन पर 10 विकेट खो दिए थे दोस्तों। और डलास का ये ग्राउंड जो कि स्कोरिंग पैटर्न 153 बार बना है, 159 दोस्तों 4 बार बना है, स्कोर बिटवीन 172-189 2 बार बना है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखें। स्कोरिंग पैटर्न काफ़ी उलझा हुआ बन सकता है दोस्तों, आपको यूएसए की टीम कमज़ोर नज़र दिख रही होगी, सभी लोग पाकिस्तान के ऊपर निर्भर होंगे, परंतु आपको कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं दोस्तों जो आपके लिए कल यूएसए की तरफ से ग्रैंड लीग आपको जिताने वाले हैं, बात करेंगे हम आगे वीडियो में। एवब स्कोर 190 2 बार बना है। वहीं बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले जो मुकाबला हुआ था यूएसए वर्सेस कनाडा के बीच में दोस्तों, टोटल विकेट्स दोस्तों 6 गिरे थे, विकेट बाई पेसर्स 4 लिए थे, विकेट बाई स्पिनर्स 2 विकेट चटके थे दोस्तों, स्पिनर्स भी काफ़ी शानदार रहने वाले। तो दोस्तों इनकी प्लेइंग 11 की बात करें, स्टीव टेलर, मोनाक पटेल, गॉज, एंड्रो जॉन्स जो कि दोस्तों पिछले मैच में काफ़ी अच्छा करके, कोरी एंडरसन न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं रहे हैं वो, हरमीत सिंह, सौरभ नाटवालकर दोस्तों। तो कुछ इन में से 2 से 3 खिलाड़ी ऐसे अभी हैं जो आपको चौंका सकते हैं। इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों गॉज जो कि 65 रन स्ट्राइक रेट 141 का शानदार पिक रह सकते हैं अगर ट्रंप के तौर पर आपको यूएसए की तरफ, ए जॉन्स, एरन जॉन्स दोस्तों इनका कल खाता खुलना या फिर ड्रॉप करने के खिलाड़ी बन सकते हैं दोस्तों, इनका परफॉर्मेंस पिछले मैच में हालांकि अच्छा रहा है दोस्तों, तो इनको वाइस कैप्टन कैप्टनसी बिल्कुल ना चलें और शायद है ग्रैंड लीग की टीम में आप इनको ड्रॉप करके भी जा सकते हो दोस्तों। स्टीवन ट्रेलर दोस्तों ये आपके लिए मस्ट पिक रहने वाले हैं यूएसए की तरफ से दोस्तों, 25 मैचों में 742 रन, 142 का शानदार स्ट्राइक रेट, और अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की बात करें तो उस्मान खान को मौका मिल सकता है, बाकी वही चेंजेस नहीं होने, इमाद मसीन देख तो अभी तक जो न्यूज आ रही है इमाद मसीन नहीं खेलने वाले हैं, आपको यहाँ पे शादाब खान ही खेलते हुए नज़र दिखेंगे दोस्तों, सैम आयूब भी खेलेंगे, शाहीन अफरीदी दोस्तों जो कि 30% सिलेक्शन परसेंटेज के साथ, माफ़ी चाहूँगा सिलेक्शन परसेंट 30% कैप्टनसी का जो है सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी शानदार है दोस्तों, इनका 66 मैचों में 91 विकेट्स, 7 की इकोनमी दोस्तों, तो ये शानदार आपके लिए रहेंगे। मोहम्मद आमिर दोस्तों इनको अगर उस समय पर अगर मौका नहीं दिया था, वैसे ये भी शाहीन अफरीदी की तरह आपको कप्तान बनते हुए देख सकते हैं, परंतु थोड़ा सा इनका मन मुटाव है थोड़ा, बाबर आजम जो कि कप्तान हैं उनकी उनकी तरफ से इनको सही समय पर बॉलिंग नहीं दी जाती है, अगर डेथ ओवर्स और विकेट जब गिरते हैं अक्सर उस समय अगर इनको बॉलिंग दी जाए तो ये भी मैच में 3 से 4 विकेट ले सकते हैं दोस्तों, परंतु इनकी काबिलियत के अनुसार दोस्तों ये विकेट तो कल पक्का आपको लेते हुए दिखेंगे दोस्तों, और हालांकि अगर इनको डेथ ओवर में बॉलिंग मिलती है तो दोस्तों तो ये आपको वाइस कैप्टनसी भी बन के निकल सकते हैं, 58 मैचों में 64 विकेट ले चुके हैं दोस्तों। इमाद मसीम अगर इनके रिकॉर्ड्स की बात करें, 72 मैचों में 535 रन, 70 विकेट ले चुके हैं दोस्तों, इमाद मसीम कल शायद है मैच खेलते हुए ना दिखें दोस्तों। अगर बाबर आजम जो कि छोटी टीमों का अक्सर रन बनाते हैं दोस्तों, 199 मैचों में 4023 रन, 130 का स्ट्राइक रेट, पहले अगर बैटिंग करे पाकिस्तान की टीम तो यार ये इंपॉर्टेंट हो गए, अन्यथा इनको आप ड्रॉप करके तो नहीं कैप्टन वाइस कैप्टन ना बनाए, जो कि 30% इनका भी 30 से 35% कैप्टनसी में चॉइसिस कर रहे हैं लोग।
फ़कर ज़मान दोस्तों ये आपके लिए तूफ़ानी कल बन के जा सकते हैं दोस्तों, परंतु तूफ़ानी इतने ही होंगे दोस्तों, 40 से 45 रनों की उम्मीद आप इनसे करके जा सकते हो दोस्तों। 88 मैचों में 1815 रन, फॉर्म हालांकि इनकी ठीक ठाक चल रही है दोस्तों। तो अब चलते हैं फैंटेसी की टीम की तरफ दोस्तों फैंटेसी टीम आपके सामने है। पहली टीम अगर पाकिस्तान पहले खेलती है तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। यहाँ पे ट्रंप के तौर पर नेटवर्कर को मैंने आज कैप्टनसी दी है और कैप्टनसी साइन अफरीद की दी है। आप यहाँ पर जा करके कोरी एंडरसन या फिर आमिर को भी कप्तानी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। आप दूसरी टीम की तरफ चलेंगे तो दूसरी टीम यहाँ पर मैंने आपको कप्तानी हारिस राउफ और एस आयूब को ट्रंप के तौर पर यूज किया है। यहाँ पर फ़खर जमान को मौका नहीं है, ये भी टीम तब की है अगर पहले पाकिस्तान बल्लेबाजी करती है दोस्तों, तो आपके लिए एस आयूब भी ट्रंप का काम कर सकते हैं। और मोहम्मद आमिर एस अफरीदी के साथ हारिस राउफ को भी कप्तानी धमाके दी है दोस्तों। कॉम्बिनेशन नंबर 3 जो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है दोस्तों, एंडरसन को यहाँ पर वाइस कैप्टनसी, शादाब खान को कैप्टनसी थमा करके दी है दोस्तों। शादाब खान जो आपके अभी तक परफॉर्मेंस कम कर रहे हैं, जो कि अभी कम लोगों की चॉइसेस आपके लिए ट्रंप का कप्तानी चॉइसेस में बन के जा सकते हैं दोस्तों। टीम नंबर 5 की अगर हम बात करें तो दोस्तों यहां पर मैंने एंडरसन को फिर से कप्तानी दिया और कैप्टनसी जो कि है शादाब खान, फ़खर जमान को मैंने रखा है। ये टीम तब की अगर पाकिस्तान पाए बाद में बल्लेबाजी करती है। रिजवान और फ़खर जमान को रखा है और बाबर को मैंने बाहर कर दिया है टीम से। आप चाहो तो ग्रैंड लीग में इनको ले सकते हो, अन्यथा ग्रैंड लीग में यही चाहूँगा बड़े प्लेयर को ड्रॉप करके एक आध को रिक्स लेकर के शानदार प्रदर्शन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय प्रभु का नाम लीजिए। जय श्री राधे।